बेटा अजय, तुम कब आए? आज निकलते समय फोन नहीं किया। अरे मैं भूल गया, जरा काम में बिजी था। लगा ही था मुझे। आए कुछ काम था? कुछ नहीं बेटा, आज सुबह से पता नहीं क्यों मेरी बाई आंख फड़क रही थी, बेवजह मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। आई, आप मेरी चिंता करना कब छोड़ेंगी बताइए? मेरी बहू आ जाएगी ना, तब देखते हैं। आपकी बहू से मिला था मैं आज। जानती हूँ मैं। अच्छा, और वो कैसे? हाँ समझ गया, उसने आपको फोन किया होगा ना? बहुत खुश थी वो। अजय, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, क्या बनाओ बताओ? कुछ मत कीजिए, आराम कीजिए। क्या तुम भी, साल में एक बार तो आता है जन्मदिन, उसमें भी मैं आराम करूं? साल का एक दिन बताइए जब आप आराम करती हैं। तुमसे बातों में कोई जीत पाया है क्या? क्या अजय, किसका मैसेज है? कोई नहीं आई। नेहा का है ना? उसे भी खुशी होगी बेटा अगर तुम समय निकालोगे, थोड़ा प्रयास करो बेटा। अच्छा ट्राई करता हूँ, पर आई बर्थडे की कोई तैयारी मत कीजिए, ये केस सॉल्व होने तक वक्त का कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तुम्हारा काम जरूरी है, मेरे लिए भी और नेहा के लिए भी। देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, पर सब कुछ होते हुए भी मानो कुछ भी नहीं है। गुनहगार आपके सामने है, रानी। मुझे यकीन है ये रानी ने ही किया है, और इस तलाश के दौरान ही आपको पता चलेगा कि ये रानी कितनी शातिर किस्म की औरत है। मुश्किल होगा उसके खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा करना, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत कुछ किया धनंजय ने अपनी बहन के लिए, पर उसे तो सिर्फ रिलेशनशिप के बेनिफिट्स चाहिए थे, और सबसे जरूरी प्रॉपर्टी के शेयर्स के लिए। जिस दिन धनंजय गायब हुए थे उसके एक रात पहले धनंजय और पटवर्धन के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इसका मतलब तुमने धनंजय को लॉबी में देखा? मुझे पैसों की जरूरत थी। Are you sure कि तुम ये केस सॉल्व कर पाओगे? अजय क्या हुआ है? कुछ नहीं आई। मैं सब समझ रही हूँ, जब से आए हो तब से एकदम शांत हो, कब से मैं तुमसे बात कर रही हूँ लेकिन तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। आई वाकई कुछ नहीं हुआ। वाकई कुछ नहीं है या मुझे बताना नहीं चाहते हो? क्या मैंने आज तक आपसे कुछ छुपाया है? नहीं, लेकिन आज कुछ तो जरूर हुआ है। केस के बारे में सोच रहा हूं, आज तक सारे केसेस जल्दी सॉल्व हुए हैं, आपको पता है? हर नया केस जब मेरी टेबल पर आता है तब थोड़ी टेंशन होती है, पर जब आपको देखता हूं सब ठीक हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम कितनी मेहनत करते हो, मेरा पूरा भरोसा है तुम पर। थैंक यू। फोन उठाओ, बज रहा है। जयन सर। जयन पवार बोलो। सर, हमारी मीरा सरदेसाई पर पूरी नजर है, और उनके साथ धनंजय सरदेसाई की पहली पत्नी भी है। कहाँ हो तुम? सर वो दोनों अभी एक बंगले में गई हैं, पर उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही है। उन पर नजर रखो और मुझे अपडेट करते रहो। यस सर। फोन रखता हूँ सर। ओके। गायत्री भाभी, अभी भी वक्त है,
आपका और धनंजय भैया का डिवोर्स हुआ है, ठीक है, पर आप पुलिस को सच्चाई तो बता सकती हैं ना? देखो, आपको पुलिस स्टेशन में आना चाहिए था। मैं? मेरा क्या मतलब है इससे? अरे, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? पति है ना वो आपके? गायत्री भाभी, आप जानती है ना कि रानी ने उन्हें कैसे जाल में फंसाया है? आपको पता है इस मामले में वही गुनहगार है, और ये आपको बोलना ही पड़ेगा। कोई इस बारे में नहीं बोल रहा है, सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ। मैं तुम्हें सच बताऊँ, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है, बिल्कुल नहीं पड़ना है। मेरी तो इतनी ही इच्छा है कि वो जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर खुश रहें बस। पर भाभी, धनंजय भैया लौट आए इसके लिए भी कोशिश करनी होगी ना? पर उससे पहले रानी का असली रूप पुलिस के सामने लाना पड़ेगा। क्या कॉफी खत्म हो गई तुम्हारी? मैं मग रख कर आती हूँ। टॉपिक चेंज कर दिया ना, और अब रोती रहिएगा मनी मन में। आप घर में अकेली हैं आज? भाई कहाँ गए आपके दोनों? अच्छा हुआ कि वो घर में नहीं है। उनके सामने तुम अगर ये टॉपिक छेड़ती तो, तुम जानती हो ना धनंजय के बारे में उनके मन में कितना गुस्सा है। हाँ, फिर भी वो दोनों है कहाँ पर? वो तो पता नहीं वो कहाँ गए हैं, बहुत दिन हो गए। सच कहूँ तो मैं भी उनका इंतजार कर रही हूँ। क्या पता? बहुत दिन? कहाँ गए होंगे दोनों? हेलो, आप पाली हिल पुलिस स्टेशन बोलो। ठीक है। क्या, कब, कौन? एक मिनट, हमारे साहब से बात कीजिए। साहब, सरकारी हॉस्पिटल से फोन है, कॉल ट्रांसफर कीजिए। ओके सर। हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा, हमने जो आपको डिटेल्स दी थी वो हूबहू मैच हो रही है ना? नहीं नहीं, हमें खुद आकर देखना होगा। वहाँ पर डॉक्टर कौन है? उन्हें आने तक रुकने के लिए कहिए, हम लोग बस पहुँच रहे हैं। ओके, या बाय बाय। क्या हुआ है सर? एक डेड बॉडी मिली है, शायद वो धनंजय सरदेसाई की भी हो सकती है। शेला, मैं जा रहा हूँ, कुछ जरूरी हो तो इन्फॉर्म करना, चाहे कितनी भी देर हो जाए। सर, धनंजय सरदेसाई की डेड बॉडी मिली है। व्हाट? ये बात है तो अपनी टीम को लेकर जल्दी से निकलो, और हाँ, रास्ते में अजय को पिकअप करना। सुरवे मैडम, आप भी जाइए, रानी सरदेसाई जी को बुलाना पड़ा तो आपका होना भी जरूरी है। ओके सर। कम ऑन, मेक इट फास्ट। यस सर। यस सर। जय हिंद सर। शिला, जय हिंद, क्या हुआ? सर, आपको एक बात बतानी थी। बोलो। आप जरा बाहर आएंगे प्लीज? चलो। बोलो। सर, एक डेड बॉडी मिली है, शवागृह में रखी है, शायद वो धनंजय सरदेसाई की भी हो सकती है। ओके फाइन। डेड बॉडी मिले कितना वक्त हुआ? 4-5 घंटे हुए होंगे। तो तुरंत निकलना होगा हमें। यस सर। रानी सरदेसाई को भी बुलाना है क्या? यस, मैं अभी आया। यस सर। मैडम, आपने बुलाया? तुम लोगों को जो काम दिया जाता है वो ठीक से क्यों नहीं करते? क्या हुआ मैडम? पुलिस का फोन आया था तिवारी, धनंजय की डेड बॉडी मिल गई है उन्हें। मैंने क्या बोला था? जी यही कि उनका चेहरा किसी को पहचान में नहीं आना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हुआ? फिर पुलिस ने कैसे पहचाना? लेकिन मैडम, हमने तो पेट्रोल। चुप। अगर कुछ गलती हुई ना तिवारी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
जी, गलती तो नहीं हुई है। गाड़ी निकालो। संगीता! हाँ, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? कुछ नहीं मैडम, थोड़ा काम बाकी है। काम करो और आउट ऑफ चली जाओ, वरना डायरेक्ट घर। इधर उधर की बातें सुनना बंद करो, निकलो। सर्वे मैडम, रानी सरदेसाई को इन्फॉर्म किया? हाँ, बता दिया है, वो घर से निकल चुकी है। शेलर सर का फोन आया था। अच्छा, अजय सर के साथ वो भी पहुंचते ही होंगे। ठीक है। बहुत दिन हो गए डेड बॉडी को, चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। रानी सरदेसाई कैसे रिएक्ट करेंगी क्या पता, देखते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बॉडी के पास कौन है? डॉक्टर है सर, और बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो गया है। और सर, बॉडी के पास कुछ चीजें भी मिली है। वेरी गुड, बॉडी की शनाख्त करने में काम आएंगी। सर्वे, सुनावने, आप दोनों यहीं रुकिए। रानी सरदेसाई आए तो अंदर भेज देना। यस सर। शिला। यस सर। हाँ, हेलो मैडम, संगीता बोल रही हूँ। हाँ संगीता, बोलो। रानी मैडम अभी बाहर गई हैं, मतलब उन्हें अभी किसी का कॉल आया था और फिर वो बाहर चली गई। अच्छा, उसे किसका फोन आया था? वो तो पता नहीं, पर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि पुलिस का ही कॉल होगा। पर मतलब कहाँ गई, कोई अंदाजा है? नहीं ना, मुझे कुछ समझा ही नहीं। आप तो जानती है ना कितनी तेज है वो। ड्राइवर से गाड़ी निकालने कहा और तुरंत निकल गई। पर वो पक्का पुलिस स्टेशन ही गई होंगी, साहब के बारे में कुछ तो पता चला होगा। संगीता देखो, मुझे वहां की सारी इंफॉर्मेशन बताती रहो, जैसे कि रानी कहां क्यों जाती है, क्या करती है, वो किससे मिलती है, सब कुछ। तभी हम धनंजय भैया तक पहुंच पाएंगे, इसलिए प्लीज तुम उस पर नजर रखो। हाँ, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मिस कॉल दे दिया करो, मैं तुम्हें कॉल कर लिया करूंगी। हाँ, नहीं नहीं, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तो मैं ही कर दूंगी कॉल। ओके। अच्छा, और भी कुछ जानती हो क्या, कोई आया हो या कोई? नहीं। पटवर्धन साहब को कॉल किया था क्या आपने? पटवर, तुम्हें कैसे पता चला? वो यहाँ आए थे ना, तो वो मैडम को बता रहे थे कि आपने कॉल किया था उन्हें। ओह, और क्या बताया उन्होंने? नहीं सुन पाई, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैडम ने मुझे वहां से भगा दिया। रानी भीना। हाँ, लेकिन मैं अगली बार आपको पूरी जानकारी दूंगी। हाँ ठीक है, अब फोन रखो। और हाँ, हम दोनों एक दूसरे को कॉल करते हैं, ये बात वहां किसी को पता ना चले। हाँ 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 हाँ, रख रही हूँ। हाँ, रखती हूँ। ठीक है। सर्वे मैडम, रानी सरदेसाई को ज्यादा ही देर हो गई है। वही तो बताया था मैंने, बहुत देर हो गई, अब तक उन्हें आ जाना चाहिए था। ये उनकी गाड़ी है ना? हाँ। अब यहाँ कोई कुछ भी पूछे तो बोलना मत, मुंह बंद रखना अपना, और भगवान से प्रार्थना करो तिवारी कि वो बॉडी धनंजय की ना हो, वरना तुम्हारी और विकी की खैर नहीं। अगर मैं फंस गई तो तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं। बाहर क्यों नहीं आ रही है? जाकर देखिए। मैडम, मैडम बाहर आइए प्लीज। Thank you.
बुला रहे हैं आपको। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं होगी। अरे मैडम, ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी ही पड़ती हैं। आप अंदर आके चेक कीजिए वो धनंजय सरदेसाई हैं या नहीं। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा। आपको अंदर तो आना ही होगा मैडम। मैडम को तकलीफ हो रही है, आते समय भी रो रही थी। मैडम ये सब सहन नहीं कर पाएंगी। मैडम, डेड बॉडी को काफी समय हो गया है, डॉक्टर और अजय सर दोनों आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या अजय ठाकुर आ गए? डॉक्टर, इनकी मौत को कितना वक्त हुआ होगा? सर, डेड बॉडी ऑलरेडी प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस में है। इस सिचुएशन में डेड बॉडी में बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है। हमें बैक्टीरिया सैंपल्स, ब्लड सैंपल्स दोनों लैब में भेज दिए हैं, पर बात यह है बहुत दिन हो गए हैं और चेहरा पहचानना वर्चुअली इम्पॉसिबल है, पर हम स्कल और स्केलेटन की मॉर्फिंग द्वारा बॉडी का चेहरा कैसा रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, और एज लगभग धनंजय सरदेसाई जितनी ही है। ओके, हमने रानी सरदेसाई को बुलाया है बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए। शला? सर, वो आने ही वाली होंगी। ओके सर। सुनामने, बोली। रानी सरदेसाई आई है। उन्हें अंदर भेजने के लिए कहा था ना मैंने? मैंने उनसे कहा सर, पर वो आने के लिए तैयार नहीं है। मतलब? उन्हें डर लग रहा है सर। ठीक है, अब चलिए मैं आ रहा हूँ। शिला सर, तुम यहीं रुको। यस सर। मीरा, ये क्या हुआ? मीरा, अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? थोड़ी देर पहले किसी से फोन पर बात कर रही थी, किसका फोन था, क्या प्रॉब्लम है? संगीता का। संगीता का फोन, वो भी तुम्हें? क्या मतलब? संगीता भले ही वहां काम करती है, लेकिन उसे भी रानी का स्वभाव पसंद नहीं है। जरूरत है इसीलिए काम करती है। हाँ तो फिर उसे अपने घर रख लो ना काम के लिए। हाँ, रहने दो, फिलहाल उसका वहां काम करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मतलब क्यों, मैं समझे नहीं। गायत्री भाभी, अभी इतनी रात को रानी को किसी का फोन आया था और अचानक वो औरत गाड़ी लेकर कहीं चली गई। हो सकता है उसे पुलिस चौकी से फोन आया हो। अच्छा, रानी के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी ही चाहिए। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। क्यों? तो फिर आप मुझसे बार बार क्यों पूछती रहती हैं कि धनंजय की कोई इन्फॉर्मेशन मिली, क्या वो मिल गए? गायत्री भाभी प्लीज, हमें कुछ करना चाहिए। अरे पर मैं क्या कर सकती हूँ? अरे हम दोनों मिलकर रानी क्या चीज है ये पुलिस को तो बता सकते हैं ना। पर क्या 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 करेंगे हम? देखिए, रानी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उसी ने किया है। धनंजय भैया कहाँ है ये रानी को पक्का पता होगा, और यही बात हमें पुलिस के सामने प्रूफ करनी होगी। अरे पर कैसे प्रूफ करेंगे हम? क्या हम पटवर्धन जी से मिले, उनसे पूछते हैं। और ये रानी को पता चला तो? नहीं मतलब, जैसे संगीता तुम्हें फोन करके बताती है, वैसे ही ऑफिस में अगर कोई होगा जो उसे फोन करके बताता होगा तो? नहीं, पर हम पटवर्धन जी से ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, हम उनसे बाहर ही मिलेंगे। मीरा, गायत्री भाभी प्लीज, मैं धनंजय भैया के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। दूसरी बात, धनंजय भैया के विल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। मुझे यकीन है इस सब के पीछे प्रॉपर्टी बस यही एक वजह है। अरे पर विल से मेरा क्या मतलब? ऐसा क्यों बोल रही हैं भाभी? देखिए मेरे धनंजय भैया फ्यूचर प्लान करने वाले इंसान हैं। उन्होंने पक्का अपनी विल बनाई होगी, और उनकी विल रानी से शादी होने से पहले बनी होगी, तो उसकी नॉमिनी तो आप ही होंगी ना।
पर गायत्री भाभी रानी ये सब प्रॉपर्टी के लिए कर रही है और इसीलिए हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा। तो एक बार पटवर्धन जी से मिल लेते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग। अरे मैडम, मैं हूँ आपके साथ, चलिए अंदर चलिए। अरे मैडम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? चलिए सर। मिसेस सरदेसाई, प्लीज आपको बॉडी आइडेंटिफाई करने आना ही होगा। मैं नहीं आ पाऊंगी, प्लीज। आई नो आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करना ही होगा। धनंजय को कुछ नहीं हुआ है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे, मैंने हमेशा हंसते बोलते देखा है उन्हें, इस हालत में कैसे देखूं मैं उन्हें? मैं समझता हूँ, पर बॉडी का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा, इसलिए वो धनंजय सरदेसाई ही हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, प्लीज। धनंजय को कुछ नहीं हुआ है, वो मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, वो जान छिड़कते थे मुझ पर, वो नहीं जा सकते, he's alive, please understand। मुझे यकीन है उन्हें कुछ नहीं हुआ। मिसेस सरदेसाई, संभालिए खुद को। सुरवे, चलिए मैडम, चलिए मैडम, देर हो रही है, चलिए प्लीज। मौत को काफी दिन हो गए हैं, बॉडी का चेहरा पहचानना मुश्किल है। हमारा अंदाजा है कि ये बॉडी धनंजय सरदेसाई जी की ही है। डॉक्टर, क्या ये बॉडी आपके हस्बैंड की है? मिसेस सरदेसाई, क्या आप कुछ अंदाजा लगा पा रही हैं? क्या ये बॉडी आपके हस्बैंड की ही है? मिसेस सरदेसाई, आप कुछ तो बोलिए। मैडम, क्या वाकई ये बॉडी धनंजय सरदेसाई जी की है? सुरवे, मैडम मैडम खुद को संभालिए। धनंजय मैडम, हमें इस डेड बॉडी के साथ कुछ चीजें मिली हैं, क्या आप प्लीज देखकर बता सकती हैं कि ये चीजें धनंजय सरदेसाई जी की है कि नहीं? वो वहां पर रखी हुई हैं। नहीं,
ये धनंजय का नहीं है, ये शूज, ये घड़ी, ये चेन धनंजय का नहीं है। मैडम आपको पक्का यकीन है? यस ऑफ कोर्स, ये धनंजय नहीं है, नहीं नहीं है। मिसेस सरदेसाई, हमें बॉडी मिली तो हम कंफर्म करना चाहते थे कि ये धनंजय सरदेसाई की ही है या नहीं। मुझे यकीन है धनंजय जिंदा है, आप प्लीज उन्हें ढूंढिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं। मिस्टर अजय ठाकुर, मुझे बहुत डर लगने लगा है और ये सब देखकर तो मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। सो प्लीज प्लीज धनंजय को ढूंढिए, वो जिंदा होंगे, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मैडम हम धनंजय सरदेसाई की तलाश जल्द पूरी कर लेंगे। यू कैन गो नाउ। थैंक यू। चलो। क्या है ये केस? बस एक मिसिंग कंप्लेन। शिलार कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए सर। 12 दिनों में हमारे हाथ क्या सुराग लगे हैं? सुनाम ने कुछ भी नहीं। क्या कर रहे हैं हम लोग? ये केस क्रैक क्यों नहीं हो रहा है? हमें तलाश की स्पीड और बढ़ानी होगी। ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है, ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास, समझ रहे हो ना? धनंजय सरदेसाई अगर जिंदा है तो उन्हें सामने खड़ा करना पड़ेगा, वरना उनकी डेड बॉडी दिखानी पड़ेगी। अब मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। अब तुम में से कोई भी घर नहीं जाएगा, किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाता। सारे कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा चेक करो। शिला, रानी और तिवारी, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स देखो। रानी और पटवर्धन के बीच कोई कॉन्वर्सेशन हुई है या नहीं चेक करो। यस सर। सुरवे। यस सर। अपनी टीम से कहो मीरा सरदेसाई के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। धनंजय सरदेसाई की हिस्ट्री खंगालो। आई वॉन्ट रिजल्ट गाइस। क्या हुआ? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? अब इसमें ना समझने वाली क्या बात है? धनंजय भैया की प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पटवर्धन जी से मिलना था, हमने यही तय किया था ना? हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है मेरा क्या संबंध इससे? मतलब? नहीं मतलब, देखो धनंजय से मेरा डिवोर्स हो चुका है। हा? मतलब उनसे ही मेरा संबंध नहीं है, तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह से क्या संबंध होगा? तो इसका मतलब ये है कि जो चल रहा है हम उसे हाथ पर हाथ धरे बैठे देखते रहे? ये बात नहीं है। ऐसा ही है गायत्री भाभी, आप बस बैठी देखती रही और फिर क्या हुआ? रानी ने उस घर में और धनंजय भैया की जिंदगी में आपकी जगह ले ली।
मेरा ऐसा मानना है कि पटवर्धन जी से मिलना जरूरी है। पर मैं क्या बात करूंगी? क्या मतलब भाभी? एक बात बताऊं, देखो पटवर्धन जी से हमारे फैमिली रिलेशंस थे और धनंजय से डिवोर्स होने के बाद से मैं पटवर्धन जी से कभी नहीं मिली। इतने दिनों बाद मिलूंगी, ये सब बातें करूंगी, ये मुझे कुछ। देखिए गायत्री भाभी, आप भले ही ना मिले ना ही बोले, पर मैं बोलूंगी। नहीं, मेरा क्या है ना, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये जो तुम कर रही हो वो सही है, पर कोई फायदा नहीं है इस सब का। मतलब रानी को तो तुम जानती हो, कोई फायदा नहीं है इस सब का। बात ये है ना कि इस सब से कुछ होगा ऐसा आपको नहीं लग रहा है, पर मुझे लग रहा है। और एक बात बता दूं आपको, मेरी कोशिशें बर्बाद नहीं होंगी। कोई एक इंसान गुनाहों पर गुनाह किए जा रहा है और बाकी लोग उसको सहन करते रहे, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती। अब इतना समझाने पर आप नहीं समझ रही हैं तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं समझ रही हूँ। मुझे भी लगता है कि धनंजय को सबके सामने आना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। मिलते हैं हम उनसे। अजय जी, तुम्हारी तैयारी हो गई? हाँ। अच्छा, टेंशन मत लो, स्वामी जी है ना हमारे साथ। थैंक यू। ठीक है, अब तुम अपनी तैयारी करो। पॉकेट रुमाल सब कुछ रख दिया है मैंने। मैं सब ले लूंगा, आप आराम कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, सूरज को जगा कर आ रही हो? हाँ। आई? हाँ? आपके काम आज जल्दी निपट जाएंगे। मदद करने बहु जो आई है। तो आज क्या खास बात है? तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ तुमसे बात करने आई हूँ तो ये गलत है। मैं आई से मिलने आई हूँ। अच्छा, कंप्लेन बुक लेकर आई है ये? आई? ए, वो कोई कंप्लेन नहीं करती है। हाँ, बहुत समझदार है मेरी बहू। हमेशा तुम्हारी तरफदारी करती है। ओके, ठीक है, चलो बताओ आई से क्या काम है। मेरा आई से काम है ना, तो मैं उन्हें ही बताऊंगी। आई, चलिए हम अंदर चल के बात करते हैं। चलिए, आ जाओ। अरे सुनो अजय, हमें डिस्टर्ब मत करना प्लीज, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, चलिए चलो आ जाओ। ठीक है, पगली। अच्छा ये बताओ क्या बात करनी है। अच्छा आई, अजय के बर्थडे का क्या प्लान बनाया है? मुझे तो उस मामले में कुछ नहीं पता है, तुम ही डिसाइड करो। मैंने तो प्लान बना लिया है। मतलब देखिए, कल ना आई, आपने अजय को कुछ बता तो नहीं दिया ना? सच कहूं? मतलब आपने उसे बता दिया हम उसे सरप्राइज देने वाले हैं? अरे मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया आई। पर हाँ, वो कुछ भी समझ नहीं पाया। हाँ, फिर ठीक है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने क्या सोचा वो बताओ। कल मैं बढ़िया सा केक लाऊंगी। केक तो मैं घर पर ही बना लूंगी, अजय को पसंद भी है। एक बात बताऊं, पिछले बर्थडे पे जब आपने केक बनाया था ना, तभी मैंने रेसिपी लिख ली थी। इस बार मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बना लो। लेकिन खाने का क्या करेंगे हम लोग? पाव भाजी, मुझे बहुत पसंद है आपकी पाव भाजी। नहीं सॉरी, बर्थडे अजय का है और मैं आपको अपनी फरमाइशें सुना रही हूँ। मैं ना एक्साइटमेंट में कुछ भी बड़बड़ाती हूँ। धीरे, अजय ने सुन लिया तो तुम्हारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। सॉरी। हेलो। हेलो, कहीं जा रही हैं आप? हाँ, पर आप यहाँ? केस के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। जी हाँ, तो घर पर बैठकर बात करते हैं, अच्छे से होगी, है ना? I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये गायत्री है, मेरी भाभी, धनंजय भैया की पहली पत्नी। नमस्ते। नमस्ते। मैं PSI अजय ठाकुर, धनंजय सरदेसाई केस का इंचार्ज। आप दोनों कहीं जा रही हैं क्या?
मैं बताती हूँ। मीरा, अरे पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। पटवर्धन जी से मिलने जा रहे हैं हम दोनों। किस सिलसिले में, क्या आप मुझे बता सकती हैं? हाँ, अब कहाँ जा रहे हैं ये बताने के बाद क्यों जा रहे हैं इसका कारण भी तो बताना ही होगा ना। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि धनंजय भैया के गायब होने की वजह उनकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और इसी हवाले से रानी के अलावा अगर किसी को इस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो वो सिर्फ पटवर्धन जी हैं। धनंजय भैया के विल के बारे में भी पटवर्धन जी को पता हो सकता है। एट द सेम टाइम धनंजय भैया ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी या नहीं, ये भी मुझे पूछना है, और ये सवालों के जवाब हमें धनंजय भैया तक पहुंचने में मदद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऑफ कोर्स इससे रानी के गुनाहों से भी पर्दा उठ जाएगा। मैडम, आपको रानी सरदेसाई पर शक है, पर उनके खिलाफ सबूत होना भी जरूरी है। आई नो कि मैं जो कुछ बता रही हूँ उस पर आपको भरोसा नहीं है। आप उस रानी के खिलाफ एक्शन भी नहीं लेंगे, है ना? इसके बजाय आप तो मुझसे ही पूछताछ करेंगे। इट्स आवर ड्यूटी पार्ट मैम। कीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपने भैया को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आज शाम होने से पहले मैं आपको सारे सबूत दे दूंगी इंस्पेक्टर, उसके बाद तो आपको रानी को गिरफ्तार करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप सो। मिस मीरा सरदेसाई, हमारे मिस्टर पटवर्धन से बात हो चुकी है। ओ रियली? उनसे भी पूछताछ की आपने? हमने रानी सरदेसाई से भी पूछताछ की। और उसका नतीजा? सबूत हाथ लगने के बाद आपको नतीजा भी दिख जाएगा। वैसे आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, और अगर रानी सरदेसाई के खिलाफ कोई सबूत मिला तो मैं उन्हें गिरफ्तार करने में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। थैंक यू। तो मैं भी अपनी कोशिश करूंगी कि सबूत आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मुझे गायत्री मैडम से कुछ पूछना है। मेरे साथ क्या बात करनी है? आपके और धनंजय सरदेसाई के डिवोर्स को कितने साल हो गए? 2 साल। आपका और धनंजय सरदेसाई का कोई कांटेक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब हमने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए और फिर उसके बाद हम कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं की, कोई संबंध नहीं रहा। और रानी सरदेसाई से कोई कांटेक्ट? नहीं, कोई भी नहीं। आपका और धनंजय सरदेसाई का डिवोर्स हुआ, उसकी वजह क्या थी? इंस्पेक्टर, रानी सरदेसाई से मिलने के बाद भी आपका ये सवाल करने का मन कर रहा है, इसका आश्चर्य हो रहा है मुझे। एनीवे इंस्पेक्टर, अब हमें निकलना होगा, पटवर्धन जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ओके, यू कैन गो नाउ। चलिए। क्या करे इस विकी का? ¶¶
विक्की मैं अभी बिजी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। रानी रानी बहुत बहुत बड़ी न्यूज देनी है। न्यूज? वही तो, बहुत बड़ा गठबंधन हुआ है। मतलब? मीरा सरदेसाई, मतलब उस धनंजय सरदेसाई की बहन, उस दिन घर आकर तुम्हें ब्लेम कर रहे थे, राइट? हाँ, तो अभी उसका क्या? रानी मैंने उसे अभी अभी देखा है, और उसके साथ वो अजय ठाकुर भी था। What? वही तो रानी, सारे के सारे वहाँ पर मौजूद थे। उस धनंजय सरदेसाई की पहली पत्नी भी मौजूद थी। गायत्री? हाँ रानी, गायत्री भी वहाँ मौजूद थी उस मीरा के साथ। रानी, वो दोनों मिलकर अब अजय ठाकुर को तुम्हारे खिलाफ भड़काएंगी, वो फंसाएंगी तुम्हें। पर विक्की, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार जैसा मैंने चाहा वैसा तुमने किया। अब तो तुम समझ गई होगी ना कि मैं उस अजय ठाकुर से ज्यादा ब्रिलियंट हूँ। हाँ? तुम यहाँ आओ जल्दी। What? मैं आ जाऊं? Of course, जल्दी आ जाओ। ओके ओके, मैं पहुंच रहा हूँ तुरंत। हाँ, बाय बाय। We'll be right back.